साल 2022 अपने अंतिम चरण पर है। इस साल टीम इंडिया को क्रिकेट में कई ऐसे मोमेंट्स मिले जिसने फैंस को निराश भी किया, तो वहीं ऐसे कई मोमेंट्स भी रहे जिसने फैंस को काफी ज्यादा खुश भी किया। जब भी कोई साल अपने अंतिम चरण की ओर होता है तो उस दौरान एक सवाल सभी के मन में होता है कि इस साल सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला खिलाड़ी कौन सा होगा। अगर भारत में बात करें तो आपको बता दें कि इस साल इंडिया में जो सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला खिलाड़ी है उसका नाम जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। आप सभी के मन में शायद ये चल रहा होगा कि कहीं वो रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर पूर्व कप्तान एमएस धोनी होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन तीनों में से ही कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसे सबसे ज्यादा इस साल सर्च किया गया हो। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, इन तीनों के अलावा दो और ऐसे स्टार हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सर्च किया जा सकता है, और वो स्टार हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार हो सकते हैं। लेकिन अभी तो रुको, जरा सब्र करो, क्योंकि इन दोनों में से भी वो कोई खिलाड़ी है ही नहीं। असल में वो खिलाड़ी हैं प्रवीण तांबे। क्यों, चौंक गए ना? प्रवीण तांबे वो खिलाड़ी हैं जिन्हें इस साल भारत में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। उन्हें गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, और इसका कारण उनकी बायोपिक कौन प्रवीण तांबे रही है। आपको बता दें, प्रवीण तांबे की बायोपिक इस साल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। इसमें मुख्य भूमिका में श्रेयस तलपदे दिखाई दिए जिन्होंने प्रवीण तांबे का किरदार निभाया। ये बायोपिक लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि लोग इसे कनेक्ट करने लगे। भारत में ऐसे कई युवा हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ तले वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। बस फिर क्या था, इस फिल्म की कहानी ने उन करोड़ों युवाओं के दिलों पर राज कर दिया। आपको बता दें कि प्रवीण तांबे की असल जिंदगी में काफी संघर्ष रहा। जिस उम्र में सभी खिलाड़ी क्रिकेट से संन्यास लेकर अगले करियर की ओर रुख करते हैं और जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, उस उम्र में प्रवीण तांबे ने अपने क्रिकेटिंग करियर को शुरू किया था। प्रवीण तांबे को साल 2013 में आईपीएल में खेलने का मौका मिला था। उस दौरान वो आईपीएल में सबसे उम्र दराज डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने थे। उन्होंने साल 2013 में 41 साल की उम्र में दिल्ली डेयर डेविल्स के विरुद्ध अपना पदार्पण किया था। आपको बता दें कि साल 2014 में केकेआर के विरुद्ध उन्होंने हैट्रिक लेकर क्रिकेट जगत में हड़कंप मचाया था। इसी के बाद से प्रवीण तांबे नाम सभी की जबान पर आ गया था। लेकिन साल 2022 में एक बार फिर से यही नाम लोगों की जबान से हटकर गूगल की जबान पर आ गया है, क्योंकि इस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। 51 साल की उम्र में ये उपलब्धि प्रवीण तांबे के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ना केवल वो सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले क्रिकेटर हैं, बल्कि भारत में वो सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले 9वें भारतीय भी हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें।